केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना को रघुवर सरकार ने झारखंड में धरातल पर उतारने का काम किया है, जिसका लाभ पलामू के किसानों को भी मिलने लगा है, जिससे अब उन्हें फसल बर्बाद होने का डर नहीं सताता है। लहलहाती फसल और खेत में मेहनत करते किसान, ये तस्वीर पलामू जिले की है। फसल बीमा योजना से किसानों की हिम्मत दोगुनी हो गई है, क्योंकि मौसम की मार से फसल खराब होने पर उन्हें नुकसान नहीं उठाना होगा। नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना से की जाएगी। सरकार की इस योजना से किसान बेहद खुश हैं और जी जान से फसल उगाने में जुटे हैं। सरकार के अच्छी पहल है, हम लोग पर ध्यान अच्छा तरीके से दे रहा है और हम लोग को टाइम टाइम पर फसल बीमा हो रहा है और हमको मान लिए कि फसल कराए थे उसको लाभ मिला भी है। सरकार की अच्छी पहल है, सरकार हम लोगों को ध्यान दे रही है, हम लोग किसान सब अच्छी तरह। सरकार की पहल से पलामू में कई किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल चुका है। दरअसल पहले फसल की बर्बादी होने पर किसान कर्ज में डूब जाते थे, जिससे बाहर निकलना उनके लिए काफी मुश्किल होता था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, किसान खुशहाल हो रहे हैं। सरकार की अच्छी पहल है, सरकार अच्छा ध्यान दे रही है हमने पर, किसान के फसल बीमा दे रहा है, हम लोग अपन कर रहे हैं। झारखंड में फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना की मदद से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि आदि से फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना में प्रीमियम राशि खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% है, वहीं हॉर्टिकल फसलों के लिए 5% रखी गई है। प्रीमियम राशि के भुगतान में राज्य और केंद्र सरकार बराबर बराबर का योगदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।